माई YouTube चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो, अभी नहाकर आई, नाश्ता कर लिया और मुझे आज शेयर करना है अमेजन हॉल। जा रही हूँ हल्का फुल्का, कुछ तो लिपस्टिक वगैरह लगा लूँ, ऐसे कैसे हॉल शेयर करूँगी। और ये दाने का कह रहे थे ना, मेरे साथ कुछ दिक्कत हुई है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ कम हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुरदुरा सा ये सारा हो गया था, वो थोड़ा सा कम लग रहा है। मैंने तो ये तक सोच लिया था कि मैं किसी स्किन स्पेशलिस्ट जो होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट, उनसे दिखाऊं, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप ही कम हो रहा है, तो मैं थोड़े दिन और देख लेती हूँ। और अगर मैंने इसका कोई ट्रीटमेंट करवाया दिखाया तो वो मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्टली शेयर करूँगी कि मैंने कहाँ दिखाया, क्या क्या किया, किस तरीके से। बाकी मुझे लग रहा है कि ऐसे ही हो जाएगा ठीक। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में, उसकी वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हो सकता है, लेकिन मुझे अभी ठीक से पता नहीं है। ठीक हो जाए तो मैं बस यही समझूंगी कुछ इधर उधर हुआ होगा बैलेंस। और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है कि ठंड में कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा, कुछ भी, बस अपना काम करो और आराम करो, ऐसे लग रहा है रजाई। मुझे ठंड में ना बहुत दिक्कत होती है, समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। अभी मम्मी नहीं है, कहीं गई हुई है निक्की के साथ, तो यहाँ पे मैं मम्मी वाले रूम में बैठी हुई थी। मेरे सारे जो भी अमेजोन के प्रोडक्ट है ना, वो यहीं पर पड़े हुए हैं, मुझे उसका हॉल शेयर करना है यहीं पर, तो वही मैं सोच रही हूँ क्या करूँ कैसे करूँ। मुझे सर्वाइकल की जो दिक्कत है ना, वो ज़्यादा बढ़ गई है इसमें, और जो बोन है ना उसमें भी, सारे बोन में ना ऐसे पेन हो रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बोन में ऐसे पेन क्यों हो रहे हैं। जैसे कि इसमें, इस वाले बोन में, पैर में, और जो जिसमें चोट लगा था, मेरा हाथ टूटा था वो वाला भी, जहाँ पे चोट लगा था वहाँ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बैक में मुझे समझ में नहीं आ रहा, कमर में, ये तो मुझे लगा कि जैसे कि कभी कभी ना कहते कोई ऐसा हवा चलता है जिसकी वजह से जहाँ चोट वोट लगी हो वो दर्द होने लगता है, लेकिन और भी जगह हो रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या फिर ठंड अचानक से बढ़ गई, मैंने स्वेटर वगैरह नहीं पहना, उस वजह से हो गया, जुकाम भी क्या पता उस वजह से हो गया, कुछ भी हो सकता है, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तभी मैं जा रही हूँ रेडी होने, और मैंने बहुत सारे पंचो मंगाए हैं, उसके हॉल शेयर करूँगी। दिखाऊँ मैं आप लोगों को? दो यहाँ पे है, वो पार्सल है, ये मैं हॉल में शेयर करूँगी। ये अभी अभी आया तो एक अंकल थे, मैंने बोला खुला है दरवाज़ा, फर्स्ट फ्लोर पर दे दीजिए, तो कह रहे हैं कि कपड़े फेंक दे तुम्हें से। हाँ, मैंने बोला बिल्कुल बिल्कुल फेंक दीजिए। देखिए ये एक ऐसे टाइप का कुछ पंचो है, ये भी मैं लाके यहाँ पे रखी हूँ। मुझे ना ऐसा लगता है कुछ खास तो लगता नहीं है, बट पिछली बार जब मेरा हार्ट टूटा था मैंने लिया था, वो इतना अच्छा लग रहा था। ये भी बहुत प्यारा सा, सुंदर से देखो, वेयर करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा है। तो ये कहीं जाओ आओ ना, टी शर्ट जीन्स वगैरह भी पहनो उस पर भी चल जाता है, सूट पहनो उस पर भी चल जाता है। देखो इसका नेक कितना अच्छा है, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था, सो मैंने ये मंगा लिया है एक। और भी बहुत सारे मंगाए हैं जो कि आपको अमेजन हॉल में देखने को मिलेगा। एक्चुअली उसका मैं यहाँ पर ना दे दूँगी कार्ड में, या फिर जो एंड स्क्रीन में वीडियो डालते हैं उसमें मैं डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को क्लिक करके जाकर देख लेना। एक ये है, तो बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से आ रहे हैं। इसका कलर देख रहे हो, कुछ ज़्यादा डार्क है। ये देखो, ये आपको कुछ ऐसे पहनना होगा और ऐसे कुछ ये डिज़ाइन आएगा। तो और भी बहुत सारे उधर रखे हुए हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ उनका जो हॉल शेयर करूँगी ना, फिर मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी, ठीक है? तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर रेडी होने के लिए, और बस रेडी होके और भी एक दो वीडियोस बनाना है। और गाइस, एक चीज़ सरप्राइज़ है, अगर वो चीज़ हो गया तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उस चीज़ के लिए, खुशी भी है एक अलग सी, और शायद आप लोगों को भी देख के बहुत अच्छा लगे। बस टाइम आने दो, अभी टाइम नहीं आया, उसकी भी थोड़ी सी तैयारी करनी है। मेरा ना बिल्कुल भी ऐसे सर्दियों में रेडी होने का मन नहीं कर रहा। मेकअप तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं पसंद है, घर में मुझे सिंपल रहना बिल्कुल पसंद है। बाकी जैसा देश वैसा भेस वाली बात है, कि अगर कहीं जाना हो, जिस जगह पे जाना है उसके अकॉर्डिंग तैयार होती हूँ, और घर में तो बिल्कुल भी नहीं। सर्दियों में अगर लिप्स ड्राई हो रहे हैं ना, लिप बाम लगा लो नाक से ना गिर जाए, इतना ज़्यादा दुखाओ। सुबह उठी ना, बिल्कुल मेरा नाक ऐसे बंद हो गया था ब्लॉक। फिर उसके बाद मैं रोटी बना रही थी, विकास आया मुझसे पूछने के लिए, भाभी वो मरून वाला शर्ट कहाँ है? मैंने बोला वो जाकर देखो, भैया का जिधर शर्ट रहता है ना, जिस साइड अलमारी, उसमें जाकर देखो। कह रहे क्या तो फिर रो क्यों रहे हो? मैंने बोला मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे ऐसे कोल्ड हो गया, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी मॉर्निंग में ऐसी लग रही हूँ। कह रहे अच्छा, मेरा फेस ऐसा इतना उतरा हुआ था मॉर्निंग में, अभी भी शायद आप लोग को ऐसे ही दिख रहा हो। मैं एक पोनी बनाऊँगी और एक लिपस्टिक लगाऊंगी, बस हो गई रेडी, बना के मिलती हूँ। पोनी नहीं बनाए मैंने, बाल जो है ओपन कर लिया, एक अलग ही लुक आता है बिना मेकअप के, थोड़ा बाल ओपन कर लेते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मेकअप रहता तो कुछ करती।
खैर तो अब चलते हैं और वीडियो शूट करते हैं। लिपस्टिक कितना लाइट लगाया है ना, बिल्कुल न्यूड, पता नहीं चल रहा ना लगाया है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और सर्दियों का टाइम है तो सर्दियों वाला ही हॉल शेयर करते हैं आप लोगों के साथ अमेजन। सो गाइज, मैंने आज अमेजन हॉल भी शेयर किया आप लोगों के साथ, तो उसी का ये क्लिप है जो मैं आप लोगों के साथ अभी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको देखना है पोचो वगैरह जो भी मैंने लिया है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे ही चैनल पे। अभी इससे पहले जो वीडियो डाला है तो आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे शूट कर रही थी तब तक धनवी आ गई, और यहाँ से देखी करिए कैमरा ऑन है, वापस चली गई, वो स्कूल गई हुई थी तो आई, फिर उसके बाद मुझे परेशान करना शुरू कर दी। और आगे आप उसकी बातें देखो, बातें देख के भी ना ओहो पापा जी आ गए शायद, इसलिए मैंने काट दिया। ठीक है, अभी आप मम्मा का वीडियो बना रहे थे तो अभी आपने क्या बोला पहले बताओ, अभी आपने क्या बोला? फिर मम्मा मैगी बना के देगी, अभी बताओ आपने क्या बोला? वो तो किसका फोन है, आपका फोन नहीं, क्या बोला आपने? अरे मम्मा, हाँ हाँ, मम्मा का फोन है। नहीं आपने अभी क्या बोला था कि मम्मा वो आपका फोन नहीं, वो निक्की चाची, ये तो मेरा है, ये देखो। हाँ वो क्या बोला था आपने कि किसका फोन था? हाँ पहले बताओ किसका फोन था, फिर मैं मैगी दूंगी। बताओ, हाँ 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 बताओ किसका फोन था, फिर मैं आपको मैगी दूंगी। जल्दी बताओ किसका फोन था, किसका फोन था? नहीं आपने क्या बोला था, निक्की चाची, क्या बोला था? कह रही है अरे मैं ये मेरा वीडियो बना रही थी अपना फोन लेके, है ना, मैंने मम्मा का वीडियो बना रहे, कह रहे कह रहे हाँ लेकिन वो आपका फोन नहीं है, वो तो निक्की चाची का फोन था। धनु ऐसे बोलते है ना, तो इसे... मामा, मामा, क्या चाहिए? मैगी। धनु को मैगी खाने है, देखो कहाँ चढ़ रही है। चलो अब बनाओगे तब खाओगे ना, चलो अभी अंदर चलो, आओ आओ इधर। ये बाबू, ये भैया का दवाई है खांसी का, है ना, रख दो रख दो। हाँ मम्मा ने धोके रखा है ना, इसलिए पानी है। सिर्फ शूट करने तक का नहीं रहता ना, अब उसे फोल्ड करो, हल्का एक तो पता नहीं जो काम से सर में इतना दर्द हो रहा है, परेशान हो गई हूँ। पर जो धनी परेशान कर रहे हो उस मैगी में, मैगी देख ले सो खुला हो रहा है, उसमें एक भी मसाला नहीं है, कह रही मैगी खाऊंगी, मैगी मसाला ही नहीं उसमें, दूसरा मंगाएंगे तब तो बनेगा। अच्छा याद आ गया, यहाँ पे हाथ गया था। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि अपने शॉर्ट में या वैसे मंगलसूत्र का डिजाइन दिखाया करो, किस चीज़ का है? तो गाइज ये देखो, ये बहुत ही प्यारा मंगलसूत्र है, और ये जब मैंने लिया था, मैंने इसका ब्लॉग भी डाला हुआ था, कल्याण से लिया था, तो जिन्होंने वो ब्लॉग देखा उन्हें पता होगा ये डायमंड है, ये जो आपको दिख रहा है ना ओरिजिनल डायमंड, जो ऐसे होता है ना कुछ अमेरिकन या फिर वो अनकट होते, नहीं ये ओरिजिनल वाला डायमंड है, प्योर डायमंड। और इसमें ना ये सारे गोल्ड है जो पर्ल के साइड में दिख रहे हैं ना येल्लो से, ये गोल्ड में लगा हुआ है ये डायमंड, ठीक है। तो ये मेरा डिजाइन कुछ ऐसा, और ये डिजाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे से पहले वाला जो था ना जो टूट गया जिससे शादी हुई थी, उसी के बदले में ये लिया है, इसके मतलब उसके जगह पे मैं ये रिप्लेस करके अब ये पहन दी, क्योंकि वो टूट गया, जब भी मैं जड़वाती थी वो बार बार टूट जाता था, क्योंकि वो खियाना, क्या बोलते हैं, खियाना खिया गया था, तो इसलिए मुझे ये चेंज करना पड़ा। और अब मुझे ये उससे ज़्यादा अब ये अच्छा लगता है, बिकॉज इसका जो डिज़ाइन है मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत ही यूनिक सा है। बट बाद में मैंने देखा कई यूट्यूबर्स की शादी हुई ना, कई ऐसे इंस्टाग्रामर को देखा मैंने, यूट्यूबर को देखा कि वो लड़की जिनकी अभी भी शादी हो रही है वो ऐसे ही उन्होंने पहन रखा है, जो गले में उनकी शादी हुई है इस मंगलसूत्र से, या अभी पहने रहते हैं उनका भी बिल्कुल सेम डिज़ाइन, थोड़ा बहुत 19-20 से बड़ा है या छोटा ऐसे टाइप का, बड़ा ही मतलब ऐसे पहन रखा है। मैंने बोला वाह, चॉइस मेरी अच्छी है जो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर पसंद करे, मतलब मैं बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे पता है जब मेरे 1 मिलियन हो जाएंगे ना तब मैं बड़ी यूट्यूबर बनूंगी। सो ये डिज़ाइन कुछ ऐसा है, मैं जूम करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, शॉर्ट में भी एक शेयर कर दूंगी, ये आप देख सकते हैं, देख गया, कई लोगों ने पूछा था इसलिए मैंने दिखाया। धनी को क्या खाना है आपको, आपके लिए ओट्स बना दूं? ओट्स बना दूं? पहले बताओ आपके लिए ओट्स बना दूं? ओट्स बना दूं? ओट्स हैं? ओट्स बना दूं आपके लिए? क्या खाओगी? ओट्स बनाऊंगी तो आपकी मम्मा नहीं? अच्छा ये क्या है, तरबूज? नहीं ये पम्पकिन है। हाँ अभी तो मैंने बोला पम्पकिन है तो आप कह रहे झूठ क्यों बोल रहे हो, अब नहीं बोल रहे हैं, आप बोलो ना ये क्या है, पम्पकिन है, गंजी
पार्सल रिसीव हुआ इंस्टाग्राम से है, मतलब देख के कोई कह नहीं सकता पार्सल ऐसा लगा ऐसा गिफ्ट किसी ने भेजा है, बट अभी फ़ोन आया तो पता चला कि इंस्टाग्राम से किसी ने कोलाब्रेशन के लिए भेजा हुआ है। देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम में क्या क्या है, तभी ओपन करते हैं और शेयर करते हैं। किस टाइप का आपको शॉर्ट्स चाहिए वो भी मुझे कमेंट करना, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जो शॉर्ट्स है वो कुछ अलग लेके आऊँ, बिकॉज जो थोड़ा सा होता है वो मैं अकेले मैनेज कर सकती हूँ किस तरीके से क्या किया, मतलब मुझे अपने पार्टनर की कर सकती हूँ, लेकिन टाइम इसमें ये कुछ सामान है अभी शूट करते हैं। और यहाँ पे आए हुए थे ये जो जिनसे हमने लिव स्पेस में काम करवा रहे हैं, जो वहाँ के इंजीनियर हैं जिन्होंने मतलब काम लिया हुआ है हमारा, इनके ही थ्रू हमारी बात हुई है वहाँ पे काम, जो भी लिव स्पेस में हो रहा है इन्होंने मैसेज किया कहाँ पे क्या करवाना है कैसे करवाना है। तो इस तरह जो भी बनवाना है ना कुछ दिक्कतें आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक चौखट था आपको पता है, तो वॉल है तो उसमें कुछ ऐसे है स्पेस की कि ये स्पेस लेना है नहीं लेना है उसी बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो फाइनल हुई, फिर ये चुनाई होगा जो दीवार यहाँ पे ज़्यादा आप लोग गेट दिख रहे हैं ना उसको जुड़वाया जाएगा, तो इसी के लिए बुलाया गया था कि यहाँ पे कितने इंच जुड़वाना है किस तरीके से क्या करना है, ये सारा काम जो है अब हमारा स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। इसके बाद जो है मॉड्यूलर का काम है, वो मॉड्यूलर का काम जो है वो स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद हमारा घर बन के तैयार हो जाएगा। सो गाइज, आप लोग सोच रहे हैं मैं ब्लॉग क्यों नहीं शेयर कर रही, बताया ना कि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही बिकॉज कोल्ड हो गया, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कल, इतनी ज़्यादा परेशान थी बिल्कुल सर में इतना दर्द होने लग गया था कोल्ड की वजह से पूरे से लग, तो इसी वजह से मैं वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ, और अभी काम भी चल रहा है सब, और बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया जुकाम। तो अभी एक मैं कमेंट पढ़ रही थी ऐसा, धनु चार्जर के लिए नीचे ऊपर नीचे करने के चक्कर में स्लीपर पहनू, सो इसलिए मैं वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ, कितना बार बार हो जा रहा हूँ, वो काम कर रहे वो भी आ रहे थे बार बार की ये चीज़ देखने के लिए कुछ, और पहले सोचा कि इस वाले में शिफ्ट होते हैं क्या करते हैं कैसे करते हैं, लेकिन अभी उसमें हुआ कि शायद नहीं लाइट पॉइंट लगेगा, लेकिन फिर बात हो रही कि लाइट पॉइंट लगेगा इधर से उधर कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन मैं एक ज़रूरी बात करने आई हूँ कि पता नहीं है, देखो हर कोई अपने कल्चर को प्रमोट करता है ठीक है, और दूसरी बात कि जो ना करे वो गलत होता है, लेकिन जब अगर हम अपनी बात करते हैं, हम बिहार से बिलोंग करते हैं ठीक है, प्रॉपर बिहार से, बिहारी हूँ, ठेठ बिहारी हूँ, बिहारी राजपूत हूँ। हाँ इस समय कुछ लोगों का कंफ्यूजन है कि राय क्यों लगाते हो आप तो भूमिहार हो, नहीं हम राजपूत हैं, और गोपालगंज सिवान में एक पर्टिकुलर ऐसे पार्ट है जहाँ पे राजपूत लोग राय ही लगाते हैं, तो मेरे ससुराल वाले राय लगाते हैं सिवान के हैं इसलिए राय लगाते हैं, बाकी मैं वैसे राजपूत हूँ। आ गए बेटा, और राजपूत में मैं निकुंभ राजपूत हूँ, और जो मेरे ससुराल वाले हैं वो चंदेल राजपूत हैं, तो अब तो क्लियर हो गया होगा ठीक है। और मैं कुछ ऐसे डिश एक दो डिश ऐसे बनाई जो जिसमें मैंने शेयर किया कि ये बिहारी स्टाइल में, बिहारी स्टाइल में एक्चुअली इसलिए क्योंकि वो हम थोड़ा सा उसमें अपना आइडिया लगा के चटपटा बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कि यार ठीक है हम अपने बिहारी वाला वो कर दिए, क्योंकि जब हमारे हस्बैंड खाते हैं उनको प्लेन खाने के आते हैं, मैंने उस ब्लॉग में बोला हुआ था मैगी में वो प्लेन खाते, लेकिन ऐसे बना तो कहते हैं कि अच्छा अपने बिहारी स्टाइल में बना दिया, इसलिए मैं उस चीज़ को बोलती हूँ कि हाँ बिहारी स्टाइल में ये चीज़ बनाया, बिहारी स्टाइल में ये बनाया। अब चूड़ा और मटर जो है बिहार में ही मुझे लगता है बनता है, और कहीं ये डिश नहीं खाते, खाते भी होंगे तो यूपी वाले खाते होंगे जो कि उस साइड के हैं, हमारे बिहार के जो सीमा होता है बॉर्डर का उधर से अटैच होंगे गोरखपुर साइड वगैरह के, बाकी और भी लोग खाते होंगे लेकिन नहीं पता, लेकिन हमारे बिहार में उस चीज़ को ज़्यादा ये करते हैं, क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो हम कहीं भी प्रॉपर देखते हैं तो हमें कहीं ये डिश खाने को नहीं मिलता कि चलो ये डिश है ऐसा खाने के लिए खा ले, नहीं हम यूपी की एक शादी में गए हुए थे तो वहाँ पे घुघनी भून के रखा हुआ था, लेकिन और कहीं हम शादी में जाते हैं हरियाणा दिल्ली तो इधर नहीं मिलता है, तो इसलिए हमने बोला कि ये चीज़ बिहारी स्टाइल में है, जिससे बहुत लोग बहुत मतलब कि बुरा लग रहा है या फिर क्या बोल रहे हैं इरीटेट हो रहे हैं या मिर्ची बोल सकते हैं लग रहा है, क्यों बोल रहे हो बिहारी स्टाइल में, क्यों बोल रहे हो बिहारी स्टाइल में, सब कुछ बिहार में ही होता है कि जब ना बोले तब तो देखो अपने कल्चर को छुपा रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, और अगर अभी हम प्रमोट करें हम बोले हम बिहार के हैं कि बिहार में ये चीज़ ऐसे होता है वैसे, तो क्या बिहार बिहार लगा रहा, तो भाई हमारा स्टेट है हम वहाँ के रहने वाले हैं तो हम बोलेंगे ही, इसमें क्या बुराई है, क्यों आप लोगों को इतना बुरा लग रहा है। हम जितने डिश मैं बनाऊंगी अगर मुझे लगे कि बिहारी स्टाइल में तो बोलूंगी, अब दही चूड़ा खाऊंगी तो मैं यही बोलूंगी बिहारी ही खाते दही चूड़ा, और कहीं तो मैं नहीं, मुझे नहीं पता कि दही चूड़ा हर जगह लोग खाते हैं, कहीं कहीं खाते होंगे लेकिन बिहारी जरूर खाते हैं, सतुआ खाते हैं, चने का मक्के का भुना हुआ उसका जो सत्तू होता है उसका खाते हैं ऐसे कच्चा सान के, तो मैं तो यही बोलूँगी ना वो बिहारी डिश है, ये थोड़ी ना बोलूँगी हरियाणा दिल्ली या पंजाब का डिश है, नहीं बोल सकती। हाँ ठीक है मक्के का रोटी है तो मक्के का रोटी और साग हरियाणा पंजाब साइड खाते हैं,
तो बिहार में जो होता है मक्के की रोटी, दूध दही इन सब चीज़ों के साथ खाते हैं, मैं गुड़ के साथ खाती हूँ। तो जो जैसा है वैसे बोलने में कोई हर्ज नहीं है। आप लोग क्यों दिक्कत हो रहा है कि मैं बोल रही हूँ बिहारी स्टाइल में, तो क्यों मिर्ची लग रही है? मैं बोलती थी, बोलती हूँ और हमेशा बोलती रहूँगी यार। प्लीज़ इतना भी मत वो करो कि क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो हर चीज़ में बिहारी, हर चीज़ में बिहारी। अरे बिहारी है तो बिहारी ही होगा ना। पहले तो कोई चीज़ अगर कुछ गड़बड़ हो ना तो पता है क्या बोलेंगे कमेंट करके, है ना, देखो बिहारी जैसे ऐसे कर रहे हैं। और कुछ अच्छा करके हम कहना बिहारी का है तो क्यों कह रहे हो ये बिहार में ही बस होता है, हमारे साइड भी होता है इधर, मतलब सच में बोलने वाला तो कुछ भी बोलते हैं। खैर मैं इसलिए ब्लॉग शेयर नहीं कर पाती क्योंकि तबियत से ठीक नहीं चल रही, आवाज़ से आप लोगों को पता लग रहा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हमारे में तो बिहार जिंदाबाद था, है और रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और स्टेट को प्रमोट नहीं करती, मैं खुद ही किसी अदर स्टेट में रहती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं उन स्टेट को मैं कुछ गलत बोलूँगी या कैसे, लेकिन मैं बिहार है तो है, अब इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।